हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक स्वीट डेजर्ट। इसे कैसे बनाती हूँ मैं वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने अंडे का जो है पीला वाला पोर्शन लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक पिंच सॉल्ट ऐड करूँगी और मैं चीनी ऐड करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक पिंच सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। यहाँ लगभग मैंने 3 बड़े चम्मच चीनी ली है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये लगभग मैंने इसे फेंट लिया है। थोड़ी सी और भी जो चीनी है वो घुलनी बाकी है। आप इसमें पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें, यहाँ मैंने 1/2 कप गरम दूध लिया है। अब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच पाउडर मिल्क मिलाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने पाउडर मिल्क मिला दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इस बैटर में मैंने 2 चुटकी इलायची पाउडर लिया है, ये भी मिक्स कर दूँगी। और यहाँ मैंने मिल्क जो है, पाउडर मिल्क जो है, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर को इस बैटर में डालूँगी। ये देखिए, मैंने ये मिक्सचर इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब 2 ड्रॉप मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी। ये देखिए, मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ मुझे थोड़ा ये ज़्यादा ही लिक्विडी फॉर्म में लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें और 2 चम्मच मिल्क पाउडर मिला लिया है। और इस बैटर में से मैंने 1 स्पून बैटर इस कप में रख दिया है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने गैस पर पानी बॉयल होने रख दिया है। पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। अब इस तरीके का एक छलनी मैंने ली है और इसे इसके ऊपर सेट कर दूँगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। और उस मिक्सचर को मैंने इस छोटे से बाउल में रख लिया है। अब इसको मैं स्टीम में चढ़ाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे स्टीम में चढ़ा दिया। अब इसे ढक देती हूँ। यहाँ मैंने इसे ढक दिया है। अब इसे स्टीम होने के लिए रख देती हूँ। और ये जो मैंने 1 स्पून जो बैटर निकाल के रखा था, उसमें मैंने 2 ड्रॉप फूड कलर डाल दिया है। अब मैं इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब जो वो बैटर मैंने बचा के रखा था वो इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने डाल दिया है जो बैटर बचा के रखा था। अब इसे फिर से ढक देती हूँ। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने जो ये ऊपर से लीड लगाया था, ये जो है चेंज कर दिया, क्योंकि उसमें से जो पूरा वेपर जो है वो निकल जा रहा था। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे एक बार टूथपिक से चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, ये चिपक नहीं रहे हैं। यानी अब ये मेरा हो चुका है, ये हो गया है। मैंने गैस की फ्लेम जो है बंद कर दी है। अब मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसे लगभग 1 घंटे तक फ्रीजर में रखना है। लगभग 1 घंटा हो गया है। अब मैं इसे आपको कट करके एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये स्वीट डिज़र्ट जो है वो बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। ऐसा नहीं कि इसमें जो मैंने एग डाला है उससे कुछ स्मेल वगैरह आएगा। जो उसमें वनीला एसेंस डाला है उससे वो स्मेल जो है वो पूरा चला जाएगा। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने यहाँ काजू और किशमिश से इसे थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।